हेलो होम ड्रीमर्स, वेलकम बैक टू चिलर होम्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं सेक्टर 4 यूनाइटेड अपार्टमेंट। तो आप देख सकते हैं ये हमारी सोसाइटी, और सोसाइटी के बिल्कुल साथ में आपको डीडी का पार्क मिल जाता है। पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूनाइटेड अपार्टमेंट का ये फ्लैट। बहुत ही प्राइम लोकेशन की सोसाइटी है, साथ में आपके डीडीए की तीन बड़े बड़े पार्क हैं और आपके तीन चार स्कूल हैं। सेक्टर 12 का मेट्रो स्टेशन बिल्कुल साथ में है और आपकी हॉस्पिटल बिल्कुल जो है बिल्कुल यहाँ पर पास में ही पड़ता है। सोसाइटी जो है ये काफी मेंटेन सोसाइटी है और ये सोसाइटी का पार्क बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो ये जो है आपकी पार्क फेसिंग बालकोनी वाला फ्लैट है। धूप है फ्लैट के अंदर पूरी घूमती हुई। तो चलते हैं हमारे फ्लैट पर। तो हम आ चुके हैं हमारे कॉरिडोर में। तो आपको जो है दो फ्लैट वो दूसरी तरफ मिलते हैं और दो फ्लैट ये आपके इस तरफ हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर वेंटिलेटेड आपका जो है कॉरिडोर यहाँ पर रहने वाला है और बहुत ही मेंटेन आपको जो है मिलता है यहाँ पर कॉरिडोर। ये आपकी दो लिफ्ट रहने वाली हैं और आपके जो है इस तरह से ये फ्लैट्स रहने वाले हैं। यहाँ पर एक फ्लोर के ऊपर आपके 6 फ्लैट आपको मिलते हैं। और हमारा जो ये फ्लैट है ये कॉर्नर का फ्लैट है। ये सामने वाला ये वाला फ्लैट है जो कि कॉर्नर का है और आप देख सकते हैं कि पीछे बिल्कुल जो है पूरी मेंटेन सोसाइटी है और वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ में आपकी ये स्टेयर केस यहाँ पर आ जाती है। तो ये हमारे फ्लैट की मेन एंट्री है और ये जो है हमारा नॉर्थ एग्जिट एंट्री का फ्लैट है। वास्तु परफेक्ट एग्जिट एंट्री है इसकी। और ये हमारा है ड्रॉइंग, सामने हमारा डाइनिंग एरिया। तो हम जैसे ही एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है एल शेप का, प्रॉपर एल शेप का बहुत ही ज्यादा अच्छा ड्राइंग डाइनिंग। और फ्लैट जो है ये बड़ा बड़ा आपको महसूस होता है घर के अंदर घुसते ही। और इसके साथ साथ एक चीज ये कि आपकी जो है ये बड़ी बालकोनी है जो कि आपकी वेस्ट फेसिंग है, तो आपको यहाँ पर शाम की धूप मिलती है। और सामने वाली जो आपकी बालकोनी है ये आपकी पार्क फेसिंग बालकोनी है। तो सबसे पहले मैं आपको आपकी बड़ी बालकोनी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये आपकी यहाँ पर बड़ी वाली बालकोनी रहने वाली है। तो ये हमारी बड़ी बालकोनी है। तो इस बालकोनी के अंदर जो आपकी जो धूप है ये आपकी जो है तीन साढ़े तीन बजे के आसपास जो है यहाँ पर आपकी धूप आएगी। और अभी जो है सूरज ढलना शुरू हो गया है क्योंकि तो 4:30 बज गए हैं। तो मतलब इसमें जो है धूप आपकी रहेगी। जब सन यहाँ पर आएगा तो लगभग आपकी जो धूप है ये 3:30-4 बजे के आसपास आपको यहाँ पर धूप मिलेगी इस वाली बालकोनी में। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा किचन। तो ये देखिए, ये यहाँ पर आपका किचन रहने वाला है। तो ये आपके किचन का साइज है। काम अभी किचन के अंदर हुआ नहीं है। वेंटिलेशन आपके किचन को यहाँ से भी मिलता है और यहाँ से भी मिलती है वेंटिलेशन। दोनों तरफ सबको वेंटिलेशन मिलता है। और आपका ये यू शेप का किचन है। अभी यहाँ पर सिर्फ ये एल शेप का और अंदर ही फ्रिज का स्पेस है। तो आप ये है कि अगर आप किचन बनाते हैं तो आप जो है यहाँ पर जो ये आपकी किचन है ये पूरा आप जो है यू शेप का यहाँ पर इस तरीके से शेल्फ बनवाकर और आप इसके अंदर काम करवाइए और बिल्कुल यहाँ पर आपका जो है फ्रिज आ जाएगा। फिर आपके डाइनिंग एरिया को वेंटिलेशन यहाँ से मिल जाती है और ड्राइंग रूम। और आप देख सकते हैं कि फ्लैट के अंदर बहुत ज़्यादा लाइटें नहीं लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद फ्लैट के अंदर जो है मतलब अंदर आते ही आपको जो है अच्छी फीलिंग आएगी क्योंकि फ्लैट के अंदर सनलाइट प्रॉपर है और धूप है फ्लैट के अंदर, तो इसीलिए आपको मतलब अच्छा लगेगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे ये इस तरीके से बेडरूम आते हैं, हमारा फर्स्ट बेडरूम अटैच वॉशरूम के साथ। और अगर आप इस रूम से बालकोनी लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ से एक दरवाजा निकलवा कर आप जो है बड़ी वाली बालकोनी में एक्सेस कर सकते हैं। ये वही वाली बालकोनी है आपकी बड़ी वाली बालकोनी। तो आपकी जो कबर्ट एरिया है वो अंदर ही रहने वाला है। और ये देखिए, ये आपकी वो बालकोनी है बड़ी वाली जो मैंने दिखाई थी। तो बिल्कुल आप जो हैं यहाँ से इस रूम से भी एक एंट्री बड़ी बालकोनी में ले सकते हैं। और ये आपका यहाँ पर वॉशरूम रहने वाला है। तो आपका जो है सामने ड्राइंग, डाइनिंग, किचन और किचन के सामने आपका ये फर्स्ट बेडरूम। इसके बाद आपका यहाँ पर ये जो है मतलब कॉमन एरिया ही है। ये दोनों रूम्स के अंदर जाने के लिए जो रास्ता है आपका वो ये है। तो आप जो हैं बिल्कुल इस तरीके से आपकी रहने वाली है एंट्री। और ये यहाँ पर आपको मिल जाता है कॉमन वॉशरूम। तो एक रूम के साथ आपका अटैच वॉशरूम है आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ, जिसके साथ आपको अटैच बालकोनी भी मिल जाएगी। जब आप इसके अंदर काम कराएंगे तो बिल्कुल आप एक्सेस लीजिए उस रूम के साथ बालकोनी का। और ये है हमारा सेकंड बेडरूम। तो ये देखिए, ये आपका सेकंड बेडरूम है।
यहाँ पर आपको जो है सामने यहाँ से वेंटिलेशन है आपका, और ये आपका जो है रूम साइज भी अच्छा खासा बड़ा है। ये देखिए रूम साइज आपका जो है, जो पहले मैंने बेडरूम दिखाया उसका भी 14x14 के आसपास का है, और ये वाला रूम साइज भी आपका जो है 12x13.5 फिट के आसपास का रूम साइज है। ये आपकी बालकोनी है और आप धूप देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर जो है धूप है पूरी, क्योंकि ये भी आपकी जो है साउथ और वेस्ट फेसिंग है, तो आपकी जो है इस बालकोनी के अंदर धूप 12 बजे से लेकर आपको शाम के अभी 4:30 बजे हुए हैं, और आप धूप देख सकते हैं पूरी धूप है प्रॉपर यहाँ पे, सामने बिल्कुल आपका सन रहने वाला है। और ये आपकी सोसाइटी का पार्क है, साथ में आपका ये कम्युनिटी हॉल है, और इस तरफ भी आपको एक छोटा पार्क मिलता है। फ्लैट के साथ आपकी रिजर्व कार पार्किंग आपको मिल जाएगी, और मैंने आपको जो है अब हमारा सेकंड बेडरूम दिखा दिया है, अब हम चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में। तो ये देखिए यहाँ पर ये मिलता है आपको आपका थर्ड बेडरूम, तो यहाँ पर आपकी थर्ड बेडरूम का साइज़ बहुत अच्छा है, और बिल्कुल तीनों ही कमरे जो हैं वो बड़े बड़े साइज़ आपका, ऐसा नहीं कि छोटे कमरे हैं, आपके तीनों ही रूम साइज़ जो हैं 13x13, 13x14, 13x14 इस तरीके से हैं तीनों ही बेडरूम। और यहाँ पर भी आपका जो स्पेस है कबर्ड का वो अंदर ही है, यहाँ पर अभी लोहे की अलमीरा रखी हुई है, बाकी आप देख सकते हैं पूरी अलमीरा का खांचा बना हुआ है, तो आप जो है बिल्कुल इसके अंदर अपनी कबर्ड जो है वो बनवाइए और आप काम करवाइए इसके अंदर, और तो फिर मतलब फ्लैट जो है निखर के आएगा। और ये देखिए यहाँ से भी आपका जो व्यू रहने वाला है ये आपका सोसाइटी के पार्क का व्यू रहने वाला है, और धूप आप देख सकते हो कि पूरी जो है धूप कमरों के अंदर तक आपको धूप मिलती है। तो इस फ्लैट के अंदर जो एक मतलब जो है ये खासियत की, जैसे अगर आप इस वाली विंडो को अभी नई जो चली हुई है UPVC विंडो हम वैसे लगवाते हैं, तो हमें जो व्यू है वो पूरा आपका जो है ये देखिए आपका पूरा ये लैविश ग्रीन व्यू मिलेगा, तो यहाँ से भी और दूसरी वाली बालकोनी से भी आपको लैविश ग्रीन व्यू मिलता है। फ्लैट अच्छा है, ऊपर यहाँ पर जो है ये स्टोरेज स्पेस मिल जाती है आपको, और ये जो फ्लैट है काफ़ी साफ सुथरा बड़े साइज का मेंटेन सोसाइटी के अंदर बेसिक काम के साथ फ्लैट आता है। वॉशरूम के साइज बहुत अच्छे हैं, और आपको जो है एक आपका वॉशरूम और आपकी जो है बालकनी का एक्सेस यहाँ से आपको मिल जाएगा, और आपकी दूसरी बालकोनी यहाँ पे रहने वाली है, तो आपको जो है ये दो बालकोनी एक बड़ी और एक आपको छोटी मिल जाएगी, और एक आपका जो ये वाला रूम है बिल्कुल कॉर्नर का फ्लैट होने की वजह से बिल्कुल आपकी जो धूप है मतलब ये आपकी जो है साउथ और वेस्ट, ये जो साइड है पूरी ये साउथ और वेस्ट साइड है, तो पूरी घूमती हुई धूप है फ्लैट के अंदर। सेकंड फ्लोर का फ्लैट है, जो लोग ये चाह रहे हैं कि हमें जो है बहुत ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए, नीचे का फ्लैट मिल जाए और साथ में धूप भी मिल जाए, तो बिल्कुल आप जो है इस फ्लैट के लिए जा सकती हैं। सोसाइटी मेंटेन है, लोकेशन अच्छी है, और बिल्कुल शांत लोकेशन है। यहाँ पर जो है मतलब वो वाला क्राउड नहीं है आपका मेन रोड वाला, यहाँ पे जो अंदर घूमने वाला जो सिस्टम है वो सारा अपना जो सोसाइटी के लोग हैं उन्हीं का रहेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब चलता हुआ मेन रोड है, ये आपका जो है राजापुरी वाला रोड नहीं है, ये अंदर वाली लोकेशन की सोसाइटी है, तो अच्छी लोकेशन है, अच्छी सोसाइटी है, और बढ़िया फ्लैट है, धूप वाला क्रॉस वेंटिलेटेड फ्लैट है। आपको एक बार अगर आप अपने लिए घर देखें तो जरूर एक बार इस फ्लैट को कंसिडर करना चाहिए, पार्क फेसिंग आपका ये फ्लैट रहने वाला है। तो सभी रिस्पेक्टेड व्यूअर्स आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।